दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ के शुभ अवसर पर मेरे ओर से विश्रामपुर विधानसभा के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फिल्म अभिनेत्री पूनम कौल का वीडियो राहुल गांधी के साथ वायरल हो रहा है। आखिर पूनम कौर का हाथ आखिर राहुल गांधी ने क्यों थाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं और कईयों को लेकर इसकी आलोचना की एक साख बनती हुई नजर आ रही है। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट में क्या कि राहुल गांधी ने क्यों हाथ थामा फिल्म अभिनेत्री पूनम कौर का। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की है। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक महिला का हाथ थामे अपनी पदयात्रा में चलते दिख रहे हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। राहुल गांधी की ये तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के तेलंगाना पड़ाव की है। 29 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा केरल कर्नाटक का सफर करते हुए तेलंगाना पहुंची थी। इस तस्वीर में राहुल गांधी जिस महिला का हाथ थामे हैं, वो महिला साउथ इंडियन एक्ट्रेस पूनम कौर है। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हुई, कर्नाटक बीजेपी की नेता प्रीति गांधी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख डाला कि वो खुद ही ट्रोल हो गई। प्रीति गांधी ने ट्विटर पर राहुल गांधी और पूनम कौर की हाथ पकड़े तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अपने परदादा के पदचिन्हों पर चलते हुए। देखते ही देखते राहुल गांधी और पूनम कौर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूजर्स इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे, लेकिन ज्यादातर यूजर्स प्रीति गांधी पर ही बरसे। कांग्रेस ने प्रीति गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक महिला होकर एक दूसरी महिला का मजाक बनाना और उसे बदनाम करना बेहद शर्मनाक है। ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोगों को इलाज की जरूरत है। पूनम कौर ने भी उनकी वायरल तस्वीर पर करारा जवाब दिया। पूनम कौर ने प्रीति गांधी की पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, यह बिल्कुल आप अपमान कर रहे हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं। मैं फिसल गई और लगभग गिरने ही वाली थी, इसी तरह सर ने मेरा हाथ पकड़ा। पूनम कौर ने राहुल गांधी को थैंक यू करते हुए एक दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, महिलाओं के प्रति उनकी चिंता, सम्मान और सुरक्षात्मक स्वभाव कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को छू गया। मैं बुनकरों की टीम के साथ राहुल गांधी को बुनकरों के मुद्दे पर बात करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। राहुल गांधी की जिस तस्वीर को लेकर प्रीति गांधी ने निशाना साधा है, अब उस तस्वीर का पूरा वीडियो भी देख लीजिए। इस वीडियो में साफ तौर पर देखने पर पहले राहुल गांधी और पूनम कौर साथ में तो चल रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं थामे और सामान्य तौर पर बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में थोड़ा आगे देखने पर पता चलता है कि जैसे ही यात्रा के दौरान अचानक भीड़ बढ़ती है, पूनम कौर लगभग फिसल सी जाती है और इसी के बाद राहुल गांधी पूनम कौर का हाथ थाम उनको सहारा देते हैं। यात्रा में साथ आगे बढ़ते हुए और यात्रा में साथ आगे बढ़ जाते हैं। तेलंगाना की इस यात्रा में पूनम कौर लगभग 8 मिनट तक राहुल गांधी के साथ शामिल हुई थी। पूनम कौर बुनकरों और हैंडीक्राफ्ट के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुई थी। दरअसल पूनम कौर पहले भी सोशल मीडिया पर बुनकरों और हैंडीक्राफ्ट को लेकर लिखती रही हैं। पूनम हैदराबाद की रहने वाली हैं और उनका जन्म और शुरुआती पढ़ाई भी हैदराबाद से ही हुई है। पूनम ने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई की है। पूनम कौर कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो 2006 से तमिल और तेलुगु फिल्मों में सक्रिय हैं। पदयात्रा के बाद राहुल गांधी के साथ पूनम कौर ने सोशल मीडिया पर कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल गांधी को थैंक्स कहा। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब
थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।